नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े लाल अपनी भक्ति के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। वहीं इस नवरात्र भी वो काफ़ी चर्चा में बने रहे। देखा गया कि नवमी के मौके पर भी वो कन्या पूजन करते नजर आए थे। साथ ही कल नवमी के दिन वो देर रात तक पटना की सड़कों पर घूमते रहे और माता रानी के पंडाल में जाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की, उनके दर्शन किए। वहीं उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी फ़ोटो साझा की थी। वो नज़र आ रहे थे अपने दोस्तों के साथ उन्होंने नवमी के मौके पर पटना की सड़कों पर माता रानी के पंडालों में जाकर दर्शन किया। बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी कई तस्वीरों के साथ तेज प्रताप यादव ने लिखा कि देर रात पटना के कई पूजा पंडाल में जाकर माता का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अलग अलग पूजा पंडालों की तस्वीरें लगाई हैं। पूजा के दौरान मंत्री भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने माता की चमकती लाल चुनरी गले में पहन रखा था। हालांकि इस दौरान भी तेज प्रताप यादव अपने सिर पर हरी टोपी पहनना नहीं भूले। सिर पर हरी टोपी और गले में सुनहरी कढ़ाई वाली लाल चुनरी के साथ उन्होंने अपना फोटो शेयर किया है। मेले में तेज प्रताप यादव को देख उनके समर्थक भी जुट गए। मंत्री ने समर्थकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इससे पहले शाम को बिहार आर्ट थिएटर द्वारा कालिदास रंगरालय में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में तेज प्रताप ने शिरकत की। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उसका उद्घाटन किया। महानवमी पर उन्होंने श्री बांके बिहारी शिव मंदिर में हवन किया। हवन के बाद कुंवारी कन्या का पूजन किया और प्रसाद वितरण किया। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने लोगों के बीच तुलसी के पौधे का वितरण भी किया। इससे पहले मंत्री तेज प्रताप की भक्ति को लेकर पिता लालू प्रसाद ने कहा था कि बिना बताए वृंदावन चला जाता है। आजकल के लड़के तो किसी का बात ही नहीं सुनते। इसे कहते हैं कि जहाज से जाओ लेकिन बात नहीं मानता है और दोस्तों के संग चला जाता है और बाद में पता चलता है। आजकल का लड़का सब किसी का बात कहाँ मानता है। कालिदास रंगरालय में रामलीला के उद्घाटन के मौके पर लालू यादव ने ये बात कही। बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री और लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप अपनी भक्ति के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। पहले भी उनके शिव और कृष्ण के रूप में फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी और अब नवरात्रि के मौके पर भी तेज प्रताप पूरे पटना में घूमकर माता रानी के पंडाल में उनकी दर्शन करते नजर आए, पूजा अर्चना करते नजर आए। लेकिन इस मौके पर भी वो अपनी हरी टोपी पहनना नहीं भूले थे और साथ ही इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हो रही हैं और उन्हें पंडालों में देखकर उनके समर्थक भी उस भीड़ में जुट गए थे तेज प्रताप को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। उनके समर्थकों की भीड़ भी पंडालों में उमड़ आई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।